हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू टिप्स नंबर 5। अगर आप चाहते हैं कि डोसे के बैटर में जल्दी से खमीर उठे, तो उसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले 1 टेबल स्पून में नमक मिक्स कर दें और इसको अपने हाथों की हेल्प से ज़रूर इसको फेंटें। इससे हाथों की गर्मी से क्या होता है कि बहुत जल्दी खमीर उठता है। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ टिप्स। तो बच्चों को खीरा बहुत पसंद होता है और अगर उसमें थोड़ा सा भी कड़वापन रह जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो क्या करें, किस तरह से कट करके पानी में थोड़ी देर के लिए इसको रख दें और उसमें थोड़ा सा अगर नमक ऐड कर देंगे तो इसका कड़वापन बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और टिप्स। तो वो ये है कि अगर आप देसी घी घर में बनाते हैं और उसका कलर चेंज हो जाता है, कुछ काला हो जाता है या फिर ब्राउनिश हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें कि इसको टीन के डिब्बे में या फिर किसी कांच के जार में रखें, स्टील के डिब्बे में बिल्कुल ना रखें। बंदे आ रे बंदे आ, बंदे आ रे बंदे आ, राह पे चल बंदे आ। जब हरी सब्जियों को हम धोते हैं तो हमेशा इसी तरह से पानी को निकालते हैं, लेकिन हमको ऐसे नहीं बल्कि ऊपर उठाते हुए निकालना है सब्जी। मैं जिस तरह से उठा रही हूँ आप देख रहे होंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा कि इसकी सारी जो डस्ट है वो नीचे बैठ जाएगी। अभी मैं आपको डस्ट भी दिखाऊंगी कि इसमें कितनी डस्ट होती है, और जिस तरह से हम लोग धोते हैं उस तरह से अगर पानी को निकालेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत डस्ट रह जाएगी। तो कभी भी हमें इस तरह से पानी नहीं निकालना चाहिए, बल्कि ऊपर इस तरह से उठाते हुए थोड़ी सब्जी को दूसरे बर्तन में बाहर निकाल लें और इसके बाद फिर से दोबारा उसमें पानी भरेंगे। और पानी भरने के बाद फिर से हम दोबारा से फिर से धोएंगे उसको, तो इसकी सारी जो डस्ट होगी वो 2 या 3 बार में बिल्कुल निकल जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने दिखाया, ये देखिए आप इसमें कितनी डस्ट है नीचे। तो हमेशा आप सब्जियों को, हरी सब्जियों को मोस्टली इसी तरह से धोएं। और इस तरह से देखिए आप, बिल्कुल एकदम साफ हो गई है ये। और सोया मेथी की सब्ज़ी में तो सबसे ज़्यादा होती है डस्ट। ये मैंने सोया मेथी धोई है, और इससे पहले मैंने मूली के पत्ते दिखाए थे वो भी मैंने धोए हैं। और सोया मेथी में तो सबसे ज़्यादा डस्ट होती है, तो इसको तो ऐसे ही धोएं। और मैं ये दिखा रही हूँ, देखिए आप इस कितना पानी में डस्ट है। Whenever I see you, all I can think is